कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। वैसे तुमने वो अच्छा नहीं किया। क्या? वही, तुमने अपने अब्बा को मशवरा दिया था कि अम्मा के यहां से पैसे मंगवा ले। क्या हो गया हमें? अपनी नानी के घर से मांगे हैं ना, अपने मामू के घर से। एक बात बताएं, अगर वो आपके भाई का घर ना होता और मायरा आपकी भतीजी ना होती, तो आपको लगता है कि वैसी आम शक्ल की लड़की मेरी भी बन सकती थी? नहीं ना, उसे सिर्फ आपकी भतीजी होने का एडवांटेज मिला और किसी ना किसी तरह उसे पे बैक तो करना पड़ेगा। समझ रही है ना? हाल चाल बनाइए आप। कहो। क्या करना है अम्मा? करना क्या है? अरे घर बिठाओ से। 4 दिन हुए नहीं नौकरी करते, 400 गज लंबी जबान हो गई है उसकी। कौन मानेगा कि मशाल की बहन है जिसके मुंह में जबान तक नहीं है? मशाल, मशाल। जी दादी। जाओ बुला के लाओ जरा मायरा को, बात करती हूं मैं उससे। जी मायरा, तुम्हें दादी बुला रही हैं, चलो। मुझे नहीं आना। क्या बदतमीजी है ये? दादी है वो हमारी, इस खानदान की बड़ी है, चलकर उनकी बात सुन लो। चलो। और मेरी बात सुनो, वहां उनसे बदतमीजी मत करना प्लीज। मैं कोई बदतमीजी नहीं करती, सिर्फ जायज और हक की बातें करती हूँ। जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं तुम्हें नौकरी करते हुए। ये समन, अरसलान, शकील की जो हम मदद कर रहे हैं ना बेटा, वो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा नहीं है, वो मेरे मरहूम बेटे का कमाया हुआ पैसा है, समझी? तो वो हमारे भी कुछ लगते थे दादी। अब्बू के जाने के बाद उनकी हर चीज पे सबसे पहले हमारा हक है, मेरा, मिशाल और अम्मी का। अरे वाह, और दादी को तो मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकती हो दूध से तुमने। नहीं, ये सारी चीजें आपकी भी हैं दादी, लेकिन किसी और को देने के लिए नहीं। किसी? यहाँ पे कौन है किसी भाई? अरे वो सब हमारे अपने हैं। तुम्हारी फुप्पो का घर है, तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, यही तौर तरीका और चलन है इस दुनिया का। तो आप ऐसे ख्याल रखेंगी, अपनी जमा पूंजी उनको दे दें और उनके सामने हाथ झाड़ के खड़े हो जाएं? बस कर दो मायरा, तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है ये। ये मेरा और अम्मा का मामला है, हमें सुलझाने दो बस। मुझे पता है आप कैसे सुलझाएंगी। वैसे तुम्हारा इस मामले में बोलना बिल्कुल नाजायज है मायरा। और तुम क्यों चुप रही, क्यों खामोश रही तुम? मुझे यकीन है कि अरसलान भाई ने पहले ही तुम्हें इशारे में सब कुछ बता दिया होगा, और तुमने मुझे, अम्मी, दादी को कुछ बताने की तकलीफ नहीं की। अरसलान पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो मायरा, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उनको बाहर से कर्ज मिल जाए ताकि उन्हें हम में से किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, मगर उन्हें बाहर से कर्ज नहीं मिला। अगर मिल जाता तो वो और समन पुप्पो कभी हमारे घर ना आते। और तुम्हें ये सब किसने बताया? अरसलान भाई ने ना? मायरा, मुझे तुम्हारा इतना बोलना समझ नहीं आ रहा, चुप हो जाओ बस। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन दादी की बात गलत है। कौन सी बात? यही कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अब्बू का कमाया हुआ है। सालों भर आपने 2-2 नौकरियां की अम्मी,
बसों में धक्के खाया करती थी, आप रिक्शा टैक्सी में सवार नहीं होती थी, उनके पैसे बचाने होते थे। खामोश रहो, मैं कह रही हूँ, समझदार जिसके बाद एक लफ्ज भी बोली तुम। लंच तक आप स्किप क्या करती थी अम्मी, पैसे बचाने की। बस करो, चुप हो जाओ। जब सारी जिंदगी मैंने कोई हिसाब किताब नहीं किया तो तुम कौन होती हो करने वाली? अब जाओ यहां से। मोयरा, मैं तुमसे कह रही हूं, जाओ यहां से, जाओ। पता नहीं कहां की गर्मी चढ़ी हुई है इसके दिमाग के ऊपर। नुदरत, अब तुम बताओ मुझे, तुम कल मेरे साथ सुनार के यहां जा रही हो या नहीं जा रही हो? और अगर नहीं जा रही हो तो मैं चली जाऊंगी यहां से। दादी, आप कहां चली जाएंगी? समन और अरसलान के घर। मैं मुसीबत जदों के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगी, बचाए उन लोगों के जिनकी गर्दन में सरिया आ गया है। अम्मा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। आपके साथ चलूंगी सुनार के पास। आप कहीं नहीं जाएंगी दादी? Yeah. तो फिर पक्का कर लेके जा रहे हो ना? इरादा तो है। क्या मतलब है आते रे, इरादा है? जब फैसला कर लिया तो कर लिया। यार सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। मुझसे पूछे कहाँ ले जा रहे तो क्या कहूंगा उन्हें? आते रे, अब तुम बच्चे नहीं हो, कह देना किसी दोस्त का, अब झूठ बोल देना। और लेकिन जब उनके घर चले जाना और मायरा सामने आ जाए तो बोल देना मिलिए अपने बहू से। अच्छा, मतलब इतने एज पे ले जाके मैं सब कुछ बताऊं उनको? ऑब्वियसली आते, उससे पहले अगर बताओगे तो सॉरी, मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेंगे। अगर वहां सबके सामने कुछ उन्होंने बोल दिया तो क्या करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करेंगी, अम्मी का नेचर बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो सबके सामने दिखावा करती है, सबसे अच्छे तरीके से बात करेंगी, घुल मिलकर बात करेंगी, हंसकर बात करेंगी। लेकिन हाँ, जब वो वापस आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं है, ये बता रही हूँ मैं पहले से। यार, I don't know, अरे like... तुम दोनों बहन भाई यहाँ कब से बैठे हुए हो भाई? मैं ढूंढ रही हूँ जब से अंदर घर में। मेरा फोन चार्ज पे लगा, मैं आती। आए ना यहाँ बैठे मेरे पास। अरे बेटा, मैं बैठने नहीं आई, बस तुम्हें याद दिलाने आई थी। कल तुम्हें मेरे साथ सालगिरह में जाना है, याद रखना। कैसे भूल सकता हूँ, आपकी कोई भी बात याद है। लेकिन उससे पहले आपको एक जगह लेके जाना है मुझे। कहाँ जाना है? अपने दोस्त के घर। बेटा मैं तुम्हारे दोस्त के यहाँ जाके क्या करूंगी? चलेंगे तो बताऊंगा ना, सरप्राइज है, ठीक है? लेकिन मैं सब कोई सवाल नहीं करेंगे, आप बस साथ जाना है आपको, ठीक है? तो मैंने आपको बोल दिया तो बस। फिर दरअसल मैं, अच्छा चले आपको बता देता हूं, दरअसल बात यह है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है। आई रियली लाइक हर। तो क्या वो इस लायक है कि हमें पसंद आए? मुझे पसंद है बस, ये काफी नहीं आपके लिए? शी इज अ नाइस गर्ल। देखो बेटा, तुम ये बातें नहीं समझते हो, किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है। और अगर दिल ही ना लगे तो इंसान जिंदगी कैसे गुजार सकता है? मुझे जो लड़की पसंद आई है उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तभी तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन बेटा, मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है जो मेरी पसंद है आपको भी पसंद आएगी, ट्रस्ट मी।
तुम्हारी खुशी से बढ़ के तो कोई चीज ही नहीं है बेटा। तो फिर? लेकिन बेटा तुम्हें उसका हसब नसब मालूम है क्या? आप जानती है मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, कभी सोचा भी नहीं मैंने। बेटा लेकिन मुझे तो ये सब कुछ देखना है ना। तुम्हारा जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर होना चाहिए। अगर मेरी इस लड़की से शादी हो गई तो मेरा कल बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बेहतरीन लड़की है बेटा तो यकीनन किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक होगा उसका। सच बताऊं मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं मालूम, ना ही कोई इंटरेस्ट है। यानी तुमने तहिया कर लिया है उस लड़की से शादी करने का? आपकी रजामंदी मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं जानता हूं कि मेरी खुशी आपके लिए बहुत अहम है। मेरे बेटे की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं, तभी तो इतनी छानबीन कर रही हूं। उम्र भर का रिश्ता बनाना है, ये दो दिन की पसंदीदगी बेटा जिंदगी भर का रोग बन सकती है। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए तो इतनी फिक्र कर रही हैं आप। लेकिन मैं उस लड़की से मिले बगैर कोई फैसला नहीं करूंगी, ये तुम जानते हो अच्छी तरह। ठीक है। अम्मी परेशान कर दिया है ना हमारे ससुराल वालों ने। बस अब तुम शुरू मत हो जाना, मैं पहले ही बहुत परेशान। अम्मी मैंने जो कुछ भी कहा दादी के सामने मुझे नहीं आपको कहना चाहिए। मैंने कहा ना बस कर दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दादी और अबू ने हम पे जुल्म किया, अब तुम मरे हुए बाप पर भी इल्जाम लगाओगी? कहां करा दिया हमारा निकाह? उनके घर में 3-3 मर्द हैं, लेकिन जब भी उनको पैसा चाहिए होता है हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। और बस चले तो ये जमीन फटे उसमें मैं दफन हो जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं अरसलान, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मेरा यकीन करो मिशाल, मैं सूद पे कर्ज उठाने को तैयार था, चाहे मुझे अपना आप बेचना पड़ता कर्ज उतारने के लिए, लेकिन मैं तुम लोगों से ऐसे नहीं लेना चाहता था। अरसलान आप इस तरह गैरों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं तो आपके लिए बिल्कुल भी गैर नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी नेकी की इसकी वजह से तुम मुझे मिले हो। सलान कल सुबह होते ही अम्मी और दादी ज्वेलर के पास आएंगे, अल्लाह करे कि ये मसला कल के कल ही हल हो जाए। कर्ज का जो आपको धमकियां दे रहे हैं ना उससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अगर आपको कुछ हो गया तो। रुको अरसलान, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। I'm sorry, मुझे नहीं पता था तुम बात कर रही हो, मैं बस ये कहने आई थी कि मेरी और अरसलान की बातें चुप चुप के सुन रही हो। नहीं ऐसा तो नहीं है। तुम अम्मी और दादी के सामने ये तासुर देने की कोशिश कर रही हो कि अरसलान हम लोगों से जानबूझकर पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब में उनके साथ मैं भी शामिल हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है मिशाल, मैं सिर्फ ये कहने आई। जो भी कहने आई थी तुम मुझसे मायरा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं अरसलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ,
और मुझे उन पर पूरा यकीन है। वो मुझे या हम लोगों में से किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दिल में या अम्मी और दादी के दिल में अरसलान के हवाले से कोई भी बदगुमानी पैदा करने से गुरेज करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं ये कहने आई थी कि दादी से कहो कि अम्मी को परेशान करना बंद कर दें, क्योंकि तुम उनकी चहेती हो, शायद वो तुम्हारी बात सुन रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि अम्मी कितनी सेंसिटिव है, हर छोटी छोटी बात पे वो परेशान हो जाती है। तुम ये कहने आई थी मुझसे? हाँ, मैं कोई बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी और अरसलान भाई की बातें सुनने का, ना है और ना कभी होगा। गुड नाइट। प्लीज अंदर आएगा। ओके जी। जी सर। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मायरा नजर नहीं आ रही। सर आज वो नहीं आएंगी। अच्छा, क्यों? आई डोंट नो सर। आपने पूछा? नहीं। तो आई थिंक आपको कॉल करके पूछना चाहिए उनसे। मेरी कल बात हुई थी, मुझे थोड़ी परेशान सी लग रही थी। परेशान? अच्छा चलो सही है, अब मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। जावेद साहब, मुझे मिस मायरा का नंबर भेजिए प्लीज। जी जी, जो हमारी नई एम्प्लॉई है। जी हाँ, थैंक यू। हेलो। मैं पूछना चाह रहा था, आप ऑफिस की नहीं आई? इज एवरीथिंग ओके? जी सर, सब खैरियत है, मुझे कुछ काम था। अच्छा ठीक है, आई वाज जस्ट कंसर्न, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। दापस। मायरा ऑफिस नहीं आई। अच्छा मौका है, अम्मा को इसे घर ले जाता हूं। देखो आतिर, मैं पहले ही बता रही हूं तुम्हें, अगर ये लड़की मुझे समझ में नहीं आई तो इससे शादी नहीं होगी तुम्हारी। आप मिल तो रहे, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। ऐसी कौन सी शहजादी पसंद कर ली है तुमने? शहजादी नहीं है, लेकिन शहजादी से कम भी नहीं है। तो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का तो दिमाग खराब हो गया है। तनी क्या चाहते हो? अब और कितनी दूर जाना है? 5-10 मिनट और मैक्सिमम। ये कहाँ आ गए हो तुम? आपके लिए सरप्राइज है, ये आपकी बहू का घर है। क्या मतलब है, तुम इतनी गंदी सी जगह पे मुझे लेकर आए हो? जगह से बहू का क्या ताल्लुक है, आप जगह को छोड़िए। जगह गंदी है, लेकिन आपकी होने वाली बहू बहुत अच्छी है, आप उसे मिले तो मैं आपको बता दूं, वेरी नाइस गर्ल। कैसी बातें करते हो आप? मेरे जहन में तस्वीर है एक शहजादी का, कि तुम्हारे लिए मैं एक हीरे जैसी लड़की लेकर आऊं। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि हीरा कोयले की कान में ही मिलता है, तो बस अब यही समझ लीजिए, इलाके वलाके को छोड़िए, आप लड़की देखिए, आप अपना मूड ठीक कीजिए और मेरी खातिर एक बार मिल लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी। अच्छा बस करो, ये फजूल बातें बंद करो, मिल तो लीजिए, मूड ठीक कीजिए अपना।
आइए ना प्लीज। इतना गम ना करो नुसरत, ये समझो तुम अपने बेटों का सदका दे रही हो। बेटे, अरे तुम्हारे अपने होते तो क्या गम था। अरे भाई दामाद भी तो बेटों की तरह ही होते हैं ना। अरे इनके सर से ये बला टल जाए ना, तुम्हारी बेटियों को सादगी से मोहब्बत से ब्याह कर ले जाएंगे। बस अल्लाह करे ऐसा ही हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नानी मैंने सुना है आप और मुमानी किसी ज्वेलर के काम से जा रही हैं, तो अब्बा ने कहा था पूछ लूँ आपसे, अगर आप कहें तो साथ चलूँ। हालात ठीक नहीं है ना, चोरी डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, घर का मर्द साथ हो तो बेहतर रहता है। अरे हाँ हाँ, इससे अच्छी और क्या बात होगी बेटा। 10 मिनट में पहुँचता हूँ नानी। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, आज तो मायरा भी घर पर है। ये तो और भी अच्छी बात है, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। चलो आ जाओ, शाबाश, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो हम लोग दरअसल मायरा से मिलने आए हैं। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं अम्मी, मैं ऑफिस नहीं गई ताकि आप लोगों को एक और बार समझा लूं कि ये बात सही नहीं है। मायरा मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस जाओ, नहीं तो अपने कमरे में बंद रहो। अम्मी आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? दादी अम्मी, बाहर कोई लड़का आया अपनी अम्मी के साथ और वो कह रहा है कि वो मायरा का दोस्त है। मायरा मेरा दोस्त? रुको लड़की, तुम्हें पता है ना कि अभी सलमान आने वाला है, मैं खुद जाती हूँ देखने के लिए और उसको सलमान के आने से पहले पहले यहाँ से रुखसत करती हूँ। और तुम भी अजीब लड़की हो, अजनबियों को बुला के घर में घुसा के बिठा लिया। पता भी है आज हमें कितने जरूरी काम है। अच्छी बेवकूफ लड़की हो। मुझे इस लड़की का नाम तो बताओ। मायरा। प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए आप। ये मैं आपको बता दूं कि मैं अगर शादी करूंगा तो इसी से शादी करूंगा मैं भी। और प्लीज आप इनसे अच्छे से बात कीजिएगा आप। मुझे मेरी पोती ने बताया है कि मायरा के मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरा नाम आतिर है और ये वालदा है मेरी। वो दरअसल मैं और मायरा एक साथ काम करते हैं, कॉलीग्स हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपनी वालदा को मायरा की फैमिली से मिलवाऊं, अच्छा रहता है अगर सारे मिलते रहें तो। बस मैं समझ गई हूं तुम्हारे आने का मकसद। दादी ने मना किया है ना? अम्मी मुझे देख के तो दे, कौन है? तुम्हें बताया नहीं कि उसने अपना नाम आकर बताया? मायरा तुम मुझे अपनी दादी के सामने शर्मिंदा तो नहीं करवाओगी? मैं क्यों करूंगी आपको शर्मिंदा, आपको क्या हो गया अम्मी?
कोई और वक्त होता या कोई और मकसद होता तो मैं चाय और ठंडे से तुम्हारी तवाज़ो करती, मगर अब नहीं करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, चाय की जरूरत ही नहीं है। आप मायरा को बुलवा दीजिए ताकि मैं अम्मी से मिलवा दूं उसको। समझदार लगती हो तो ये भी जानती होगी कि जब कोई जवान बेटा अपनी माँ को किसी लड़की से मिलवाने के लिए लाए तो उसका क्या मतलब होता है। अब ये बताओ, तुम्हारा बेटा तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया है या तुम खुशी खुशी आई हो? खैर, ये वैसे भी गैर मुतालिका सवाल था। और तुम कहो लड़के, तुम कब से जानते हो हमारी मायरा को और क्या जानते हो उसके बारे में? आंटी, ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं उसको पसंद करता हूं। बस लड़के, यहीं रुक जाओ और एक लफ्ज भी ना बोलना इसके बाद। तो मैं बहुत देर से देख रही हूं आप मेरी और मेरे बेटे की मुसलसल बेइज्जती किए जा रही हैं। आपकी पोती ने मेरे बेटे से रजामंदी जाहिर की है तभी हम इस घर में आए, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी यहां आने की। अम्मी प्लीज, बस पहली फुर्सत में यहां से चलते हैं। हद कर दी आपने, घर आए मेहमानों से ये कोई मुहज्जब तरीका तो नहीं है बात करने का। अगर तुम किसी निकाहशुदा लड़की के लिए रिश्ता लेकर आओगी ना तो ये बहुत मुहज्जब तरीका है जो मैं तुमसे बात कर रही हूं। चलो अब चलते फिरते नजर आओ। आपकी पोती का पहले से निकाह हो चुका है? हाँ, 10 साल पहले नकुबीजाद के साथ। तुम लोग यहां से चलते बो और दोबारा इस तरफ का रुख मत करो। ये तो मुझे किसके घर लेकर आए हो? तुम जानते थे उस लड़की का पहले से निकाह हो चुका है? मुझे और मेरे बेटे को कोसने के बजाय आप अपनी पोती से पूछिए कि जब उसका पहले से निकाह हो चुका था क्यों मेरे बेटे को अपने पीछे लगाया उसने। पूछूंगी, उससे भी जरूर पूछूंगी, मगर तुम लोगों के जाने के बाद। अब फौरन निकलो मेरे घर से, उसका शौहर आने वाला है अभी। चलो यहां से। ये था वो जिसकी खातिर उठते बैठते तुमने हमारा नाक में दम किया हुआ था। इस लड़के की खातिर तुमने पिछले दिनों अपने शौहर को जलील किया, जिसकी वजह से इतरा इतरा कर तुम हमें कहती थी कि तुमने सलमान से शादी नहीं करनी। अरे, अपने निकाह का पास ना किया, कम से कम अपनी माँ की तरबियत का तो एहसास करती, उसका तो पास कर लिया होता तुमने। साधु बनी खड़ी हो, आगे बढ़ो, लगाओ इसके मुंह के ऊपर एक। मां हो तुम इसकी, इसका बाप जिंदा होता ना आज गर्दन उड़ा के रख देता। लड़के वालों ने कहा है तुम्हारी बेटी ने अगर ग्रीन सिग्नल ना दिया होता तो हम कभी ना आते।
आगे बढ़ो, लगाओ एक इसके मुंह के ऊपर। मैं देख कर आती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मायरा। बस कल से तुम दफ्तर नहीं जाओगी। अरे मुंह काला करना है ना तो घर के चूल्हे हांडी से करो जाकर। आया समझ में तुम्हें? दादी दादी सलमान आया है और मुझे लग रहा है उसने उन लोगों को देख लिया है। अरे जाओ तुम बिठाओ उसको अंदर ले जाकर। और एक बात याद रखो अच्छी तरह, अगर तुम्हारे शौहर को तुम्हारे इन चक्रों का पता चल गया तो जिंदा काट देगा तुम्हें जमीन के अंदर। आप मुझ पे इल्जाम मत लगाएं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। खामोश मुंह बंद रखो अपना। खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा। अरे खुद तो मरोगी मरोगी, अपने साथ अपनी बहन को भी जिंदा दरगोर करोगी तुम। चलो जाओ सही तरह से मुंह हाथ धोकर अपना मुंह ठीक कर कर आओ सलमान के सामने। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, मैं उससे नफरत करती हूँ। सलमान ने सुन लिया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मम्मी मुझे नहीं पता वो लोग यहाँ क्यों आए, मैंने नहीं बुलाया आदिर को। सलामुलेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। काफी देर लगा ली दरवाजा खोलने में, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। तुम सलमान के निकाह में हो, किसी गैर मर्द का नाम लेना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। समझने की कोशिश करो मायरा। सलामुलेकुम नानी। अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो खुश रहो। क्या हाल है? वालेकुम सलाम बेटा। नानी अभी बाहर गाड़ी में एक खातून और लड़का गए हैं गाड़ी पे, कौन थे वो? नुजरत की दोस्त है, मतलब मुमानी के साथ जॉब करती है। हाँ 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 हाँ। खैरियत से आए थे वो लोग? अरे हाँ बेटा खैरियत से ही आए थे। तुम खड़े क्यों, आओ ना बैठो। अरे मैं तो बैठता हूँ, बैठे ना बैठे, मैं इधर ही बैठ जाऊंगा। मशाल जी जाओ बेटा, सलमान के लिए कुछ चाय ठंडा लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, मिशाल तो मेरी भाभी हैं, ये क्यों ये सब काम करें? आप ने अगर चाय ठंडा पिलवाना है तो मायरा से कहें वो ले आए। वैसे है कहाँ वो? मैंने सोचा था उससे भी मुलाकात हो जाएगी। वो शायद नहा रही है, आ जाएगी अभी, मिल भी लेना उससे। ठीक है। वैसे उन खातून के साथ जो लड़का था, बेटा था उनका? बेटा था। शक्ल भी मिल रही थी, वरना अगर ड्राइवर होता तो आप लोग में थोड़ी आने देते उसे। खैर छोड़ो ये सारी बातें, तुम ये बताओ कि समन कैसी है, घर में सब खैरियत है? अब क्या बताऊं आपको नानी, आप तो जानती हैं अम्मी कितनी जल्दी परेशान हो जाती हैं, और अरसलान की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है हम। और वो लोग जिनके पैसे देने अरसलान ने, वो तो पैसे लेने घर पहुंच गए थे आज। वो थोड़ी किसी का लिहाज करते हैं, उन्हें तो अपने पैसे चाहिए बस। सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो नहाने के लिए गई थी बेटा। नहीं दादी अब जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, अब बैठो ना हमारे साथ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं वो ठीक है। शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? घर में किसी से लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, लड़ाई झगड़े की क्या बात आ गई बीच में, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? दिल नहीं चाह रहा मेरा। कमाल ऑफिस है तुम्हारा, जब दिल किया चले गए, जब दिल किया छुट्टी कर ली। तुमसे बात करनी है। मायरा क्या बात करनी है तुम्हें, मेरे सामने करो।
दादी, हम दोनों के आपस की बात है, आपके सामने नहीं हो सकता।